बच्चों अपनी क्लास फोर्थ की ईवीएस निकालें, प्रेजर्व एनवायरनमेंट। कल आपने पिछले वीडियो में आपने देखा था चैप्टर 3 प्लांट्स के बारे में आपने पढ़ा था, पेज नंबर 16। आज हम आपको पेज नंबर 17 के बारे में पढ़ाते हैं। टाइप्स ऑफ प्लांट्स। टाइप्स ऑफ प्लांट्स का मतलब है पौधों के प्रकार। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। प्लांट्स लिविंग थिंग्स में आते हैं। लिविंग थिंग्स कहते हैं सजीव। प्लांट्स लिविंग थिंग्स होते हैं, सजीव होते हैं। विजिट ए गार्डन और ए पार्क। किसी बगीचे की या किसी उद्यान के आप भ्रमण करें या घूमने जाएं विद योर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ में, यू विल सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट देयर। तो आप क्या देखेंगे वहाँ, विभिन्न प्रकार के पौधे देखेंगे। सम प्लांट्स आर बिग, कुछ पौधे बड़े होते हैं, एंड सम प्लांट्स आर स्मॉल, और कुछ पौधे छोटे होते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट देम। आओ उनके बारे में हम अध्ययन करें। ट्रीज, ट्रीज मीन्स पेड़। ट्रीज आर टॉल प्लांट्स। ट्रीज जो होते हैं वह टॉल मीन्स लंबे पौधे होते हैं, लंबे पौधे होते हैं। विद थिक बुडी ट्रंक्स, जिनका कि मोटा लकड़ी का क्या होता है, तना होता है। दे लिव फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं वे। द प्लांट्स ऑफ मैंगो, नीम, बनियान। बनियान मीन्स जानते हैं आप बरगद का पेड़। ये जो पेड़ हैं काफ़ी लंबे सैकड़ों सालों तक रहते हैं। पाइन मीन्स होता है देवदार का या चीड़ का पेड़, जिसको पाइन ट्री कहते हैं। गुलमोहर एंड कोकोनट मीन्स नारियल का पेड़ आर ट्रीज। दे हैव स्ट्रॉन्ग ब्रांचेज विच बियर लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। दे हैव स्ट्रॉन्ग ब्रांचेज, उनकी जो ब्रांचेज होती हैं, शाखाएं जो होती हैं उनकी, वो कैसी होती हैं बच्चों? स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत। विच वियर लीव्स, जिन पर की पत्तियां होती हैं। वर्ड्स मीन्स कलियां होती हैं। फ्लावर्स होते हैं फूल, और फ्रूट्स मीन्स फल होते हैं। अब आते हैं शर्ब्स की तरफ। तो देखो बच्चों, तीन प्रकार के पौधे होते हैं। सबसे बड़े पौधे जो होते हैं, ऊंचे लंबे जो पौधे होते हैं, उनको हम ट्रीज बोलते हैं। उससे जो छोटे आकार के होते हैं उनको शर्ब्स या झाड़ीनुमा जो पेड़ कहते हैं उनको। और फिर आता है एक हर्ब्स। हर्ब्स का मतलब होता है छोटे पौधे जो कुछ ही ऊँच पृथ्वी से थोड़ी ही सी ऊँचाई तक ही बढ़ते हैं। ये जड़ी बूटी वाले या औषधीय पौधे भी इसको कहा जाता है, जैसे कि तुलसी इत्यादि। अब देखिए, आपने ट्रीज पढ़ा, अब आते हैं शर्ब्स की तरफ। शर्ब्स आर शॉर्टर देन ट्रीज, ये पेड़ से छोटे होते हैं। दे हैव हार्ड स्टेम्स, उनका तना कठोर होता है। हार्ड मीन्स कठोर। दे आर बुशी प्लांट्स, इनको झाड़ीनुमा पौधे भी कहते हैं। दे आर ब्रांचेज, उनकी जो शाखाएं होती हैं ग्रो नियर द ग्राउंड, वे क्या करती हैं, जमीन पर आगे वृद्धि करती हैं। दे द प्लांट्स ऑफ रोज, कॉटन। दोबारा देखिए, दे आर ब्रांचेज ग्रो नियर द ग्राउंड, उनकी जो शाखाएं जो होती हैं वह नियर द ग्राउंड का मतलब है ग्राउंड से, जमीन से थोड़ी सी ऊंची होती हैं। द प्लांट्स ऑफ रोज, कॉटन, जैस्मिन, जैसे आपने देखा होगा कॉटन प्लांट्स, रोज प्लांट्स, रोज मीन्स गुलाब का पौधा, जैस्मिन, चमेली, हिबिस्कस कहते हैं गुड़हल, एंड कॉटन मीन्स कपास का पौधा आर शर्ब्स, ये शर्ब्स के वाले पौधों के उदाहरण हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, 18 पेज। हर्ब्स। हर्ब्स कहते हैं छोटे पौधे, जड़ी बूटी या औषधीय पौधे। हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स, हर्ब्स छोटे पौधे होते हैं। विद वीक स्टेम, जिनका कि तना कैसा होता है, कमज़ोर होता है। मोस्ट ऑफ द हर्ब्स लाइक फॉर वन सीजन, अधिकांश जो हर्ब्स पौधे होते हैं वह इनका जो लाइफ स्पान होता है, जीवन काल होता है, वह एक ही सीजन का यानी एक ही ऋतु का होता है। और वन लाइफ फॉर वन सीजन और वन ईयर, वन ईयर में एक साल तक होता है या एक ऋतु तक होता है। दे ग्रो मोस्टली लेस देन 1 मीटर इन हाइट, और वह अधिकतर उनकी जो हाइट होती है, वृद्धि करते हैं वह अधिकतर जमीन से 1 मीटर तक ही वृद्धि कर पाते हैं।
द प्लांट्स ऑफ मिंट, पौधे जैसे कि पुदीना, कोरिएंडर मींस धनिया, टोमेटो टमाटर, ब्रिंजल, कैरेट, रेडिश एंड ग्रासेस, ग्रासेस मींस घास, और ये सब हर्ब्स के उदाहरण हैं। इसके बाद आता है क्लाइंबर्स। क्लाइंबर कहते हैं किसी के सहारे से चढ़कर वृद्धि करने वाले पौधे। द क्लाइंबर्स आर प्लांट्स, क्लाइंबर वे पौधे होते हैं विथ थिन लॉन्ग एंड वीक स्टेम, जिनका कि पतला लंबा और कमज़ोर तना होता है। दे नीड सम सपोर्ट, उनको कुछ सहारे की आवश्यकता होती है टू क्लाइंब अप, ऊपर चढ़ने के लिए। द प्लांट्स सच एज पीस, जैसे कि मटर का पौधा, ग्रेप वाइन अंगूर की बेल, बीन सेम का, एंड मनी प्लांट, यानी मनी प्लांट आपने देखा होगा, आर क्लाइंबर्स, ये क्लाइंबर्स के उदाहरण है। अब आता है बच्चों क्रीपर्स। क्रीपर्स मीन्स होता है जो जमीन के सहारे सहारे यानी जमीन पर रेंग कर आगे बढ़ने वाले पौधे, जो जिनके फल काफ़ी बड़े बड़े भी होते हैं। जैसे पढ़े आगे, द क्रीपर्स आर प्लांट्स विद थिन एंड वीक स्टेम। क्रीपर्स वे पौधे जिनका कि तना पतला होता है और कमज़ोर तना होता है। दे क्रीप एलोंग द ग्राउंड, वे जमीन के सहारे सहारे आगे बढ़ते हैं। द प्लांट्स सच एज पम्पकिन, जैसे कि काशी फल, वाटरमेलन तरबूज एंड कोकुम्बर मीन्स खीरा, आर क्रीपर्स, ये क्रीपर के उदाहरण हैं। तो बच्चों पेज नंबर 17 और 18 आपने इस वीडियो में पढ़ा, आपको पसंद आया, आपकी समझ में आया होगा। तो अब आप इसके रीडिंग लगाएं चैप्टर की, और इसके जो भी वर्ड मीनिंग जो बुक के ऊपर लिख दिए गए हैं आप उसको कॉपी पर लिखें और उसको याद करें। हैव ए नाइस डे बच्चों।